हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका माय हैप्पीनेस गार्डनिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पोथोस या मनी प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है जो हर घर में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट तो होता ही है, इसके अलावा ये प्लांट बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला भी होता है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की एक मजेदार चीज़ एक और है कि आप इसे किसी भी प्रकार के पॉट में ग्रो कर सकते हो, चाहे फिर वो टी पॉट ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। और फ्रेंड्स, आप इससे वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और ये वाटर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस प्लांट की केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस प्लांट की केयर। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम इसकी सॉइल के बारे में। फ्रेंड्स, आप इसे सॉइल आप इसे पेरी बेल्ट सॉइल दीजिए, इसमें आप पानी डालते ही कंपनी से पानी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आप इसे सॉइल में 25% गार्डनिंग सॉइल दीजिए, 25% सैंड एंड 25% कोको पीट एंड 25% कंपोस्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स, इससे आपकी एकदम बेस्ट सॉइल बन जाएगी, इससे आपके प्लांट को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और पानी भी आसानी से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। फ्रेंड्स, आप इसे कभी भी इसे आप ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने पर फ्रेंड्स से आपका आती हो या फिर सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप आते तो वहाँ प्लांट आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत तो होती नहीं है। आप इसे महीने या 2 महीने में एक बार गोबर खाद दे सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी और ये प्लांट की लीफ पर साइनिंग बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी रख सकते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके अलावा आप इसे किसी भी छोटे या बड़े कंटेनर में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स,